हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव के मामले को देखते हुए बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, जिला कलेक्टर, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ राजकीय अस्पताल का निरीक्षण कर अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों का हालचाल जाना तथा डॉक्टर्स को हर 2 घंटे में कोरोना मरीजों ऑक्सीजन लेवल जाँच सहित ऑब्जर्वेशन में रखने के निर्देश दिए। बाड़मेर जिला अस्पताल में लगातार कोरोना मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर बाड़मेर जिला कलेक्टर विधायक मेवाराम जैन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आज जिला अस्पताल का निरीक्षण कर कई वार्ड की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बाड़मेर जिला कलेक्टर मोहनदान रत्नू ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते 2 दिन पहले ही हमने राजकीय अस्पताल का निरीक्षण किया था, तब कोरोना को लेकर व्यवस्थाओं में थोड़ी कमी थी, जिसके बाद आज फिर से राजकीय अस्पताल का दौरा किया है। अस्पताल में आईसीयू सहित विभिन्न कोरोना वार्डों में भर्ती कोरोना मरीजों के बेड तक जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, साथ ही उनका ऑक्सीजन लेवल कितना है और अब वो क्या फील कर रहे हैं इसकी भी उनसे जानकारी ली है। लगातार डॉक्टर्स की मेहनत से कुछ पेशेंट यहां से ठीक होकर घर लौट रहे हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों से आने वाले कोरोना मरीजों के लिए ITI में COVID-19 सेंटर बनाया गया है और वहां 24 घंटे मेडिकल टीम को भी तैनात कर दिया गया है। बाड़मेर राजकीय अस्पताल में COVID-19 वार्ड का निरीक्षण करने के बाद बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने बताया कि पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया गया है और क्या क्या कमियां हैं उनको लेकर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के साथ अधिकारियों से चर्चा कर उनको दूर किया जाएगा। जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उसको लेकर आगामी तैयारियों की चर्चा कर समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बंद था, जिसको लेकर इंजीनियर पहुंच गए हैं और शाम तक ऑक्सीजन प्लांट भी पूरे तरीके से शुरू हो जाएगा। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि डॉक्टर अच्छे तरीके से इलाज कर रहे हैं, जिसके चलते पड़ोसी जिलों में भी मरीज अब बाड़मेर आने लगे हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि आने वाले दिन बहुत ही खतरनाक है, इसलिए कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए मेवाराम जैन विधायक इन्होंने ये कहा। जैसा कि अभी कलेक्शन ने ये सारी बातें बताई, जितने भी कोविड वार्ड थे उनका निरीक्षण किया, पूरे हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और जो क्या कमियाँ जिसको हम ठीक कर सकते थे, किस चीज़ की कोई भविष्य में जिस तरह से ये कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इंजेक्शन की आवश्यकता है, इसकी हम रेगुलरिटी जो आगे आने वाले दिनों में कोई कमी नहीं रह जाए उसकी समुचित व्यवस्था करने के लिए चर्चा हुई। ऑक्सीजन प्लांट आज शाम तक ठीक हो जाएगा, उसके लिए भी चर्चा हुई। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरे राम मेघवाल की रिपोर्ट।